Voltage and current when line is open circuited for end. Open circuit means to say कि जब कोई current flow नहीं हो रहा है, उस condition को open circuit बोलेंगे. जब for end पे circuit open है, तो input impedance जो obtain होगा, देखिए input impedance यानी ZS जो source पे impedance है, ZS जो कि हमने किया था पहले भी वो इज इक्वल टू होता है Z नॉट Z R cos HPL plus Z नॉट sin HPL upon Z नॉट cos HPL plus Z R sin HPL के इक्वल. ठीक है, देखिए ये इक्वेशन हम पहले कर चुके हैं, तो इसी इक्वेशन से हम वोल्टेज और करंट ओपन सर्किट पे देखेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे कि जो जो भी हमारा न्यूमिरेटर है और डिनोमिनेटर है, इनको जेड आर से डिवाइड करेंगे. जेड आर जो कि लोड इंपेडेंस है, तो क्या किया हमने यहाँ पे जेड आर से डिवाइड किया, तो जेड आर से जेड आर कैंसिल हो गया, तो कोस एच पी एल जेड नोट जेड आर साइन एच पी एल जेड नोट अपॉन जेड आर कोस एच पी एल, और यहाँ से जेड आर कैंसिल हो जाएगा तो साइन एच पी एल, ये इक्वेशन हमारे पास आएगी. अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि लाइन जो है वो ओपन सर्किटेड है. ओपन सर्किटेड मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, और अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इंपेडेंस जो होगा जेड आर, ठीक है, वो इनफाइनाइट होगा. लोड इंपेडेंस वो इनफाइनाइट होगा, तो क्या जेड आर अगर इनफाइनाइट होगा तो जेड नोट अपॉन जेड आर यानी जेड नोट अपॉन जेड आर, तो जेड आर क्या है इनफाइनाइट हो गया, तो ये इज इक्वल टू जीरो के हो जाएगा. अब ओपन सर्किट के केस में जेड ओ सी यानी जो इम्पिडेंस है ओपन सर्किट का वो इज इक्वल टू है जेड एस. जेड एस जो इज जेड एस किसके इक्वल टू है, जेड एस इज इक्वल टू है जेड नॉट. दिस इक्वेशन हमने क्या किया था कि जेड नॉट अपॉन जेड आर जो कि इनफाइनाइटी है इनफाइनाइट है वो इज इक्वल टू जीरो है, तो ये सारी इक्वेशन जीरो हो जाएगी और ये इक्वेशन भी जीरो हो जाएगी, तो क्या बचेगा cos HPL plus 0, 0 plus sin HPL, ये वाली इक्वेशन आएगी. अब ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है कि ZOC यानी ओपन सर्किट इज इक्वल टू है ZS के, और ZS जो कि इज इक्वल टू है Z नोट cos HPL upon sin HPL इज इक्वल टू cot, ठीक है, cot HPL, तो Z नोट cot HPL, ये इक्वेशन हमारे पास आई है. यानी कि जो हमारा अगर हमारी लाइन लाइन जो है वो लार्ज वैल्यू है प्रोपोगेशन कोफिशियंट जो हमारे पी पी क्या होते हैं प्रोपोगेशन कोफिशियंट होता है उसकी वैल्यू लार्ज है, अगर लाइन पे हाई लॉस हो रहा है तो पी एल क्या होगा एल एल को डिनोट करेगा, और अगर पी एल एल को डिनोट कर रहा है हाई लॉस पे तो उस कंडीशन में जेड ओ सी इज इक्वल टू होगा जेड नॉट के, सिर्फ जेड नॉट के, तो जेड ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा जेड नॉट के. अब तो अब देखिए इसमें हमने वोल्टेज और करंट देखना है लाइन ओपन सर्किट में. अब हमने लास्ट टॉपिक में वोल्टेज और करंट दोनों के इक्वेशन को सॉल्व किया था, ये वोल्टेज की इक्वेशन थी और ये करंट की इक्वेशन थी. तो अगर हम ओपन सर्किट के केस में देखते हैं तो क्या करें, अब सबसे पहले वोल्टेज का लेते हैं कि वोल्टेज में सेम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जेड आर से डिवाइड करेंगे, तो जेड आर से जेड आर कैंसिल हो आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो कोस एच पी एल माइनस एक्स जेड नोट अपॉन जेड आर साइन एच पी एल माइनस एक्स, यहाँ पे जेड आर से जेड आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोस एच पी एल प्लस जेड नोट अपॉन जेड आर साइन एच पी एल, तो ये जेड आर इनफाइनाइट होगा ओपन सर्किट केस में, अगर इनफाइनाइट है तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी, और अगर ये दोनों जीरो हैं तो हमारे पास क्या आएगा वी वी इज इक्वल टू आएगा वी एस कोस एच पी एल माइनस एक्स अपॉन कोस एच पी एल के, और सेम ऐसे ही जो करंट है वो भी हमारा ऐसे ही आएगा. सबसे पहले जेड आर से डिवाइड करेंगे तो जेड आर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जेड आर नीचे और जेड आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जीरो हो जाएगी, जेड नोट अपॉन जेड आर ये जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी वी एस जेड आर साइन एच पी एल माइनस एक्स जेड नॉट कॉस एच पी एल, ये इक्वेशन आएगी.
तो ओपन सर्किट के केस में ये हमारी करंट और वोल्टेज को डिनोट करता है. ठीक है, लास्ट इक्वेशंस को हम एज इट इज लाइन वाइज लेके चल रहे हैं, वही इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशन हमने लास्ट टॉपिक में की थी जो इसमें हमने कैलकुलेट की है ओपन सर्किट के लिए. थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए. थैंक यू. और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं.